हेलो डियर लर्नर्स, इस वीडियो में मैं आपको एक टेंस का क्वेश्चन जो किसी पटवारी के एग्जाम में आया हुआ है, किस स्टेट के पटवारी के एग्जाम में, एक्चुअली मैंने पता नहीं किया उस कैंडिडेट से जिसने मुझसे ये क्वेश्चन पूछा है, बट हमारा फोकस वो नहीं है, हमारा फोकस ये क्वेश्चन है। उस बच्चे ने जिस ये क्वेश्चन मुझसे व्हाट्सएप पर पूछा और उसने पूछा कि सर इसका आंसर क्या होगा। वो बच्चा इसका आंसर बी टिक करके आया है ऑप्शन में, हैड बिगन, फिल्म हैड बिगन। अच्छा, जिस भी इंस्टीट्यूशन ने ये एग्जाम करवाया है उसने इसका आंसर सी दिया, फिल्म बिगेन। तो उस बच्चे ने कंफर्म करना चाहा कि क्या सर इसका आंसर सी सही है। देन आई रिप्लाइड, मैंने उसको रिप्लाई कर दिया कि हाँ बच्चे, इसका आंसर जो सी उन्होंने दिया है वो सही है, आपका जो ऑप्शन है वो गलत हो गया, आपने गलत ऑप्शन ऑप्ट कर लिया। फिर उसके बाद में बच्चे ने फिर मुझे दो तीन मैसेज किए और उसने कोई वेबसाइट्स वगैरह के स्क्रीनशॉट्स वगैरह व्हाट्सएप पर भेजे और उसने कहा कि सर मैंने कई वेबसाइट्स पर भी देखा है और उन्होंने भी इसका आंसर जो है वो बी ऑप्शन ही दिया है कि पास्ट परफेक्ट टेंस आएगा हैड बिगन। तो मैं आपको बता देता हूं कि हो सकता है और भी बच्चे इस क्वेश्चन को लेकर कंफ्यूज हों, और अच्छा क्वेश्चन है, मतलब बहुत अच्छा नहीं है बट सिंपल सा यूज है टेंस का, अगर आप उसका ध्यान रखेंगे तो आपको अपने आप समझ में आ जाएगा कि इसका आंसर सी ही हो सकता है, कोई दूसरा नहीं हो सकता। ठीक, क्वेश्चन को कैसे समझना पहले वो देख लीजिए। वी वर स्टिल स्टैंडिंग इन द क्यू, ये इस स्टेटमेंट की मेन क्लॉज है। When the film was beginning, ये इसके subordinate clause है। जो subordinate clause है उसमें हमें tense का सही use करना है। उससे पहले आप देखेंगे कि तो आपकी जो main clause है ये एक action है और इस action का जो time है वो ये subordinate clause है, क्योंकि subordinate clause का conjunction when है, when conjunction के साथ लिखे गए clauses adverb of time होती है, तो ये adverb of time है। अब चूंकि आपकी मेन क्लॉज में लिखा गया एक्शन जो है वो पास्ट का है, तो ऑब्वियस बात है कि इस एक्शन का जो टाइम रहा होगा वो भी पास्ट रहा होगा, तभी इस एक्शन को पास्ट टेंस में लिखा गया, तो ये जो प्रेजेंट टेंस वाला ऑप्शन है ये आपका गलत हो गया। ठीक है, उसके बाद में यहां पर एक बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड यूज किया गया जिसका अगर आप यूज करेंगे स्टिल। स्टिल का यूज हम तब करते हैं व्हेन सम एक्शन इज एक्टिव और इफेक्टिव एट सम मोमेंट एट विच इट इज नॉट सपोज टू बी इफेक्टिव। स्टिल का यूज हम तब करते हैं जब हमें यह बताना होता है कि कोई एक एक्शन किसी ऐसे मोमेंट पर इफेक्टिव है या किसी ऐसे मोमेंट तक कंटिन्यू है जिस मोमेंट पर वो सपोज्ड नहीं था, एक्सपेक्टेड नहीं था कंटिन्यू या इफेक्टिव होना। तो इसका मतलब ये जो हम टाइम क्लॉज लिख रहे हैं ना, ये टाइम के उसी मोमेंट को रेफर कर रही है जिसके लिए यहां पर स्टिल का यूज किया गया, तो वो टाइम का एक मोमेंट है। अब हमारे पास दो ऑप्शन है, बिगिनिंग मोमेंट को रेफर नहीं कर सकता, कॉन्टिन्यूस टेंस ड्यूरेशन को रेफर करते हैं, सारे बच्चे ध्यान रखेंगे, तो ये ऑप्शन भी आपका गलत हो गया। ठीक है, क्योंकि कॉन्टिन्यूस टेंस है, कॉन्टिन्यूस पॉइंट्स को नहीं ड्यूरेशन को रेफर करने वाले एक्शंस होते हैं। आप या तो हैड बिगन लिखोगे या बिगन लिखोगे, अगर आप हैड बिगन लिखोगे तो पास्ट परफेक्ट बन जाएगा। अच्छा होता है क्या, वो आपका पास्ट कॉन्टिन्यूस है पास्ट परफेक्ट है, दोनों सेपरेट एक्शन हो जाएंगे, लेकिन ये दोनों सेपरेट एक्शन नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते, क्योंकि उस एक्शन के इफेक्टिव होने का टाइम जो है ना वो ये वाला एक्शन है, तो ये जो आप एक्शन यहां पे लिख रहे हो ये वो टाइम है जिस समय वो एक्शन इफेक्टिव था। तो ऑब्वियस बात है आप इस पॉइंट को उस एक्शन के टाइम से डिटैच नहीं कर सकते, उससे सेपरेट नहीं कर सकते। ठीक, तो आप पास्ट परफेक्ट नहीं यूज कर पाओगे, क्योंकि पास्ट परफेक्ट यूज कर लेने से क्या हो जाता है कि पास्ट परफेक्ट जो होता है वो पास्ट कॉन्टिन्यूस और पास्ट दोनों से अलग एक्शन होता है। पास्ट और पास्ट कॉन्टिन्यूस सेम टाइम फ्रेम के एक्शन होते हैं, दोनों पास्ट के होते हैं। पास्ट परफेक्ट और जो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस होते हैं वो पास्ट ऑफ पास्ट होते हैं, वो उससे बैक के टाइम फ्रेम के एक्शन होते हैं। तो आप ये दोनों टाइम फ्रेम अलग नहीं कर सकते, क्योंकि उस एक्शन के होने का टाइम ये एक्शन है, तो वो दोनों सेम टाइम फ्रेम में एग्जिस्ट करेंगे। पास्ट परफेक्ट ऑप्शन आपका गलत हो गया, आंसर हो गया बिगेन। ये हो गया इस सेंटेंस को समझने का थोड़ा सा टेक्निकल तरीका। अदरवाइज एक बड़ा सिंपल तरीका ये होता है कि जो बैकग्राउंड एक्शंस होते हैं, बैकग्राउंड एक्शंस जो होते हैं जब हम उनको उनके इंटरप्शन से रिलेट करते हैं तो वो कॉन्टिन्यूस टेंस में लिखे जाते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना। तो जिस समय मूवी स्टार्ट हुई और हम उस समय लाइन में लगे हुए थे, तो लाइन में खड़े हुए होना एक बैकग्राउंड एक्शन है जो पहले से इफेक्टिव था, और उसी बीच में कि मतलब हम लाइन में ही लगे रह गए, हम सीट तक पहुंच नहीं पाए और मूवी स्टार्ट हो गई, मतलब अगर मीनिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखें तो मीनिंग जो मूवी का स्टार्ट होना है वो क्या है, इस बैकग्राउंड एक्शन में हुआ इंटरप्शन है कि वो एक्शन पहले से इफेक्टिव था, हम लाइन में पहले से लगे थे और हमारा लाइन में लगे होने वाला एक्शन कंप्लीट भी नहीं हुआ और उसी बीच में मूवी स्टार्ट हो गई। तो जो मूवी स्टार्ट हो गई ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस, क्योंकि ये इंटरप्शन है जो उस पहले से चल रहे एक्शन को इंटरप्ट कर रहा है, और ये जो एक्शन पहले से प्रोसेस में था, जो पहले से चल रहा था, ठीक है, ये आपका पास्ट कॉन्टिन्यूस है। ठीक है, तो वो जो पास्ट कॉन्टिन्यूअस लिखा वर स्टिल स्टैंडिंग वो अपनी जगह सही है, फिल्म बिगेन ये अपनी जगह सही है, तो कुल मिलाकर इसका आंसर जो है वो सी है, इसमें कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है।
ऑनलाइन वेबसाइट्स वगैरह जो होती हैं या गूगल वगैरह होता है, इन पे बहुत ज़्यादा रिलाई मत किया करो। इन पे लिखा गया, इन पे पाया जाने वाला हर एक कंटेंट जो है वो ऑथेंटिक नहीं होता, वेरीफाइड नहीं होता है। लोग वेबसाइट्स वगैरह चलाते हैं तो वो क्या करते हैं, एक जगह से उन्होंने कहीं से आंसर को उठाया, देखा, क्वेश्चन का कॉपी किया और वही पेस्ट होता रहता है सारी वेबसाइट्स पर, सारी जगहों पर, ठीक है। तो इसमें बिल्कुल भी कन्फ्यूज होने की जरूरत नहीं है। द आंसर इज सी, वी वर स्टैंडिंग इन द क्यू व्हेन द फिल्म बिगेन, ठीक है। थैंक्स डियर स्टूडेंट्स, इफ यू हैव गॉट सम सच काइंड ऑफ क्वेश्चन और सच काइंड ऑफ कन्फ्यूजन, यू कैन सेंड द क्वेश्चन और कन्फ्यूजन टू मी ऑन माई व्हाट्सएप नंबर एंड आई विल डिस्कस इट। आई ट्राई, एक्चुअली आई एम नॉट कमिटिंग, बट आई ट्राई टू डिस्कस द क्वेश्चन ऑफ योर्स एज वेल। देखिए, 9891991959, दिस इज द व्हाट्सएप नंबर दैट आई एम अवेलेबल ऑन। यू कैन कॉन्टेक्ट मी ऑन दिस व्हाट्सएप नंबर, प्लीज डोंट कॉल, डोंट मेक कॉल्स, वॉइस कॉल भी मत कीजिए, व्हाट्सएप मैसेज के थ्रू ही काम चलाइए, और व्हाट्सएप कॉल तो बिल्कुल भी मत करना, आई विल ब्लॉक, ठीक है। तो थैंक्स, आपको फिर मिलते हैं, अपने डाउट्स वगैरह भेजते रहिएगा, कीप लर्निंग।